हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो से रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी, और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइज, वो ये है कि इस हफ्ते में आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, इस हफ्ते में आपके साथ क्या हो सकता है, चलिए हम ये देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हो सकता है, क्या गुड न्यूज उन्हें मिल सकती है। हाई प्रीस्टेस, सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, जस्टिस, एंड टेम्परेंस। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए जितने भी जो व्यूअर्स हैं ना इस हफ्ते में, रॉक, ठीक है, रॉक रॉक मतलब मजा आ गया, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। ठीक है, सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है, हाई प्रीस्टेस, कमाल की एनर्जी है डियर। यहाँ पर जो व्यूअर्स है मेरे वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है। सबसे बड़ी बात जो उनके अंदर मैं देख पा रही हूँ ये कि वो अपनी लाइफ के हर एक डेविल को खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। अब वो उनका खुद का एडिक्शन है, खुद की आदतें हैं, खुद के ही जिंदगी के वो लोग हैं जो उनको सर्व नहीं करते, उनको खुद ही आप हटा रहे हो। इस हफ्ते में ना जो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है वो ये रहने वाली है कि मुझे मुझे जैसे अपन अपनी लाइफ को ना बहुत ज्यादा भरे रहते हैं ना चीजों के साथ, ठीक है, आप बिल्कुल खाली कर रहे हो, जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, और उस मोबाइल में आपको जो भी चीजें आपके काम की नहीं है, जो कॉन्टेक्ट आपके काम की नहीं, आप उनको डिलीट कर रहे हो। ठीक है, आप अच्छी चीजों के साथ अपने फोन को रख रहे हो। उसी तरीके से आपका जो रूम है, ठीक है, उसमें जो चीजें आप यूज नहीं करते उनको आप बाहर निकाल रहे हो, और आप अच्छी चीजों को अपने रूम में रख रहे हो, स्पेस स्पेस बना रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से आपकी जो वार्डरोब है, ठीक है, वहां पर भी उसमें भी जो भी आपके काम का सामान है, जो भी आपके कपड़े हैं जो आप पहनते हो उनको आप रख रहे हो, बाकी सारी चीजों को बाहर निकाल रहे हो। मतलब कहने का ये है कि ऐसी ही आपकी जिंदगी की जो आदतें हैं, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करती उनको आप खत्म कर रहे हो, और जो अच्छी आदतें हैं उनको आप अपना रहे हो। तो मतलब कोई अपनी लाइफ को ना पूरी तरीके से देख रहा है कि मुझे कहाँ कहाँ क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सर्व नहीं करते उनको आप बाहर निकाल रहे हो, आप उनसे बात करना बंद कर रहे हो, और जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको आप बना रहे हो। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, माँ शक्ति की एनर्जी है, नजर आती है। आप पावरफुल एनर्जी में हो, हाई वाइब्रेशन में हो। ठीक है, जहां पर हाई प्रीस्टेस आया नीचे से वहां एम्परर भी आ गए। ठीक है, मतलब वही एनर्जी है कि जो आपका काम होगा वही जो आपके लिए बना होगा ना उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का ये होता है कि जब आप अपने आप को समझना स्टार्ट कर देते हैं तो जो एक्चुअली में आपके लिए बना होता है वो खुद को समझना स्टार्ट कर देता है, फिर वो कोई भी हो, और फिर वो आपकी तरफ आने भी लगता है। ठीक है, जब तक आप खुद को नहीं समझ रहे हो तब तक वो इंसान, वो जो भी है आपकी लाइफ में, वो आता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो प्यार की तलाश में बाहर भागते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो लोगों के पीछे भागेंगे तो उनको प्यार मिलेगा, जबकि रियल बात यह है कि जब आप ट्रू लव के लायक बन जाते हैं और आप वास्तव में ट्रू लव बन जाते हैं, ट्रू लव को पाने के लिए पहले ट्रू लव बनना पड़ता है, जब आप बन जाते हैं वो चीज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, जब आप उस चीज के लायक बन जाते हैं प्रकृति वो चीज आपको आराम से घर पे बैठ कर देती है। ठीक है, उसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, बस आपको खुद को उस लायक बनाना होता है।
ठीक है, और हाई प्रीस्टेस उसी की बात कर रही हैं। तो जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पर आपकी काउंटर पार्ट की एनर्जी भी मुझे शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, ये आपकी इस हफ्ते की एनर्जी है। यहाँ भी देखिए शिव शक्ति बैलेंस में आ रहे हैं और तुरंत ही ऊपर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये यूनियन की बात कर रहा है, ठीक है, ये यूनियन की बात कर रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, जो भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुके हैं अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड के साथ, ठीक है, अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ टोटली और अच्छे से बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ऊपर ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, उनकी डिवाइन टाइमिंग भी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस और सन, ठीक है, जितने भी लोगों ने अपने साथ जस्टिस कर दिया है उनके लिए डिवाइन जस्टिस करने के लिए तैयार हैं। अब आप पूछने वाले हो कि मेरे साथ जस्टिस कैसे, मैम खुद के साथ जस्टिस कैसे करना है? खुद के साथ जस्टिस करना है खुद को पहचान कर, ठीक है, खुद को पहचान कर कि खुद आप कितने कीमती हैं और आपके अंदर खुद में क्या है। अभी तक आपने कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं की, ठीक है। हाई प्रीस्टेस उसी की बात कर रही थी, ये बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति, ठीक है। तो आप खुद के साथ जस्टिस करिए, खुद को पहचान कर, खुद की पावर्स को समझ कर और खुद की लाइफ को नीट एंड क्लीन बनाकर, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स जस्टिस तो आराम से हो जाएगा, मतलब आप खुद ने आपने साथ जस्टिस कर दिया, प्रकृति आपके साथ जस्टिस कर देगी। आप जैसा खुद को ट्रीट कर रहे हैं प्रकृति वैसा आपको ट्रीट कर देगी, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, काफी सारे लोग मुझे इस हफ्ते में ना और ज्यादा ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में काफी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्पेशली जितनी भी चीजें आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हो गई या फिर और भी जो आपको एडमिशन वगैरह लेना है, ये भी मुझे स्पेशली नजर आ रहा है आपकी ड्रीम जॉब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके जो मैसेजेस हैं वो लव लाइफ के रिगार्डिंग नहीं है, आपके करियर में भी है, ठीक है। अगर आपने करियर में खुद के साथ जस्टिस किया है, यानी कि आपने बहुत मेहनत की है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे बस, लेकिन आप मेहनत बराबर कर रहे थे, तो वहां भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने खुद के साथ जस्टिस किया है, तो आपको यूनिवर्स का जस्टिस भी देखने को मिलेगा। प्रकृति कभी भी किसी का उधार नहीं रखती, मैंने आपको कई बार बताया है, जो आप देते हो वो लौटा देती है वो, और मतलब अच्छे से ब्याज लगा के लौटा देती है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी मेहनत लौटाई जाती है। यहाँ भी नीचे स्टार का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि काफी सारी विशेष पूरा होने के इस हफ्ते में चांसेस हैं आप लोग की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग नजर आ रही है काफी सारे लोगों के लिए जो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो वाइब्रेशन को रेज करते जा रहे हैं लगातार। श्री कृष्णा एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि इंसान ना दुनिया में सबको जानता है सिवाय खुद के, ठीक है। उनका आप पढ़िएगा, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि इस दुनिया में हर कोई सबको जानता है, ठीक है ना, लेकिन खुद को नहीं जानता। अर्जुन भी खुद को नहीं जानते थे, ठीक है, श्री कृष्ण ने याद दिलाया था कि तुम कौन हो, उसी पर पूरी भगवद गीता है। तो इस दुनिया में हर इंसान सबको जानता है, ठीक है, सिवाय खुद के। तो यहाँ पर आप अगर आए हो, रीडिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहते हैं, ठीक है, श्री हरि महादेव ये चाहते हैं कि आप खुद को तो जाने कि आप खुद क्या हैं, आपने खुद का तो मोल ही नहीं समझा अभी तक, ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। रिन्यूअल, रिजेक्शन, डेसिपिएटिव, मिस्टिसिज्म, इंस्टिंक्ट, इम्पार्शियलिटी, इम्पेशेंस, आइसोलेशन, फॉरगिवनेस, जॉय, ओके। इस हफ्ते में ना स्ट्रांगली आप क्या देखोगे, जितना ज्यादा आप बर्डन को रिलीज कर रहे हो उतना आप हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो। कैसे? फॉरगिवनेस, जितना आप लोगों को माफ कर रहे हो ना उतना आप खुशी को महसूस कर रहे हो, क्योंकि माफी देना सबके बस की बात नहीं है, माफी सब कोई नहीं दे सकता। महादेव ना बोलते हैं कि इनको ना
पांच पुष्पों से की हुई पूजा बड़ी पसंद आती है, ठीक है। पहला दान, दूसरा धैर्य, तीसरा करुणा, चौथा प्रेम, दया और क्षमा, ठीक है। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है वो महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, क्योंकि महादेव के अंदर ये गुण है, तुरंत क्षमा कर देते, तुरंत माफ कर देते हैं किसी भी भक्त को, ठीक है। तो माफी सब नहीं दे पाते, बहुत बड़ा दिल चाहिए इस चीज के लिए, लेकिन जो लोग माफी देते हैं ना वो कहीं ना कहीं बर्डन को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता है कि सामने वाले ने जो किया है उसको तो वो मिलना है। मैं क्यों अपने सिर के ऊपर बोझ लूं, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी इस हफ्ते में बहुत सारे लोग फॉरगिव कर रहे हैं, और तभी जॉय का कार्ड आया है, इसलिए आप इंजॉय भी कर रहे हो अपनी लाइफ को। दूसरा, इस हफ्ते में ना रिन्यूअल की एनर्जी है। देखिए, रिन्यूअल की एनर्जी लगातार निकल कर आ रही है, इसका मतलब ना बहुत सारे लोग शाइन करते जा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना रुके, ठीक है। इंस्टिंक्ट, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वो अपने आप को समझ रहे हैं, अपने ऑरा को मजबूत कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट, उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। देखिए, जितना आप मेडिटेशन करते हैं ना उतने ही आपके इंट्यूशंस स्ट्रांग होते हैं, और उतने ही कम चांसेस होते हैं कि आप लाइफ के अंदर डिसीजंस गलत लें, ठीक है। ये चीज नजर आ रही है। तीसरा यहाँ पर कार्ड है रिजेक्शन का। रिजेक्शन कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि आप देखिए, यहाँ पर रिजेक्शन है, बहुत सारे लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है। और लोगों ने आपको बहुत दिखाने की कोशिश कर ली कि आप कैसे हैं। इसके बाद भी देखिए, इम्पार्शियलिटी का कार्ड है। ये इंसान नीचे दो पेंट की बकेट लिए हुए है, और जो ये कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा लगता है मैं ऐसा हूं या वैसा हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ को फिर भी बना सकता हूं, ठीक है। तो कोई यहां पर हिम्मत नहीं हार रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। आपको भले ही कितना ही रिजेक्शन क्यों ना मिला हो, ठीक है, आपको भले ही किसी ने आपके साथ कोई चीटिंग क्यों ना की हो, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग आपसे कोई छीन थोड़ी ना सकता है। और डिवाइन जिस दिन ब्लेस कर देंगे ना, वो सारे लोग तालियां मारने खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। वो तब तक ब्लेस नहीं करते जब तक कि वो सामने वाले इंसान को उसकी कीमत नहीं समझा देते, ठीक है। और वो कीमत आप तभी समझते हो जब आप खुद पर वर्क करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी इस हफ्ते में है। काफी आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल पेंट करने वाले हो, ब्यूटीफुली पेंट कर रहे हो। ओके, इम्पेशेंस, देखिए आप में से काफी सारे लोग अभी भी इम्पेशेंस होते हैं, ठीक है। कुछ लोग रीडिंग में लिखते भी हैं, ठीक है, वो जब नए आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या बात हो रही है, या फिर ये सब पॉसिबल है क्या। वो कुछ लोग तो ये लिखते हैं मेरे को कि मैम ये क्या है, ये पॉसिबल है, ये सारी चीजें होती हैं इस दुनिया में, इम्पॉसिबल क्या है, अगर आप कुछ करना चाहो तो क्या इम्पॉसिबल है, ठीक है। एवरी थिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड तो होता ही नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। प्रकृति आपको सब कुछ देती है, बस पेशेंस रखना पड़ता है और अपना काम करना पड़ता है, ठीक है। ये दो चीजें जो कर लेते हैं उनको लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, जो भी वो पाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि टेस्ट तो होगा, जितना बड़ा आप मांगेंगे उतना बड़ा टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पर डेसिपिएटिंग का कार्ड है। अभी भी आप मुझे अलग अकेले नजर आ रहे हो, आइसोलेशन में हो, डेसिपिएटिंग का कार्ड है, लेकिन फिर भी आपको एक हिम्मत दी जा रही है, यूनिवर्स भी आपका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। आप जितनी प्रेयर्स कर रहे हो ना, एक साथ रिजल्ट मिलने वाला है आपको, ठीक है। लेकिन आप जितना इतना माफ कर रहे हो और हील कर रहे हो खुद को, उतना आप खुशी में रहने लगे हो, ठीक है। आप बर्डन से आपने अपने आप को रिलीज कर लिया है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। काफी अच्छी एनर्जी इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो इम्पेशेंस हो रहे हैं, जो शिकायतें कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो शिकायतें कर रहे हैं ना वो इतनी आसानी से पाते भी नहीं है, ठीक है। जब तक आप शिकायत करना बंद नहीं करोगे और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक आप रिसीव नहीं कर सकते। रिसीव करने के लिए हार्ट चक्र ओपन करना पड़ता है, और हार्ट चक्र ओपन तभी कर पाते हो आप जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करते हो, ठीक है। ये इस हफ्ते में एनर्जी है। और देखते हैं, टावर, चैरियट और सन। नाइट ऑफ सॉट्स, 1 2 3 4, चार मेजर अरकाना। ओ माय गॉड, वर्ल्ड, नाइन ऑफ सॉट्स, सिक्स ऑफ वैंड, हारोफेंट, एक दो तीन चार पांच छह मेजर अरकाना।
एंड सातवां मजिशियन। ओ माय गॉड, इस हफ्ते में मेजर कुछ होने वाला है, ठीक है, इस हफ्ते में मेजर कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो टावर मूवमेंट चल रहा है आपकी लाइफ में, वो साइकिल एंड होगी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर, जो बड़े लंबे टाइम से फेस कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे एंड होता जाएगा सबका। सबका दुख का समय नहीं चलना है यहाँ पे, ठीक है, आपका दुख का समय खत्म होता जाएगा। यहाँ पर टावर और वर्ल्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट चल रहा है वो साइकिल यहाँ पर एंड होती जा रही है, बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में एंड हो जाएगी। यहाँ भी कंप्लीशन का कार्ड है नीचे, ओके। यहाँ पर आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से आते हुए नजर आ रही है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करो तो वो आ रही है तेजी से, आप करियर में अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करो तो वो आ रही है तेजी से, ठीक है। चैरियट, यहाँ पर जितने लोग भी फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, वहीं जॉब करना चाहते हैं या वहीं कुछ करना चाहते हैं अपना, उनकी इस हफ्ते में डेफिनेटली चांसेस हैं। मतलब वो यहाँ पर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी आई है वहां से, ठीक है, या फिर आपके वहां जाने के रास्ते खुलेंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल सकता है कि हाँ वहां जाने के रास्ते आपको मिल सकते हैं, ये एनर्जी है इस हफ्ते में। स्पेशली आपके करियर को लेकर मतलब ये हफ्ता बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे गुरु की एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, जितने ज्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे उतना आपकी गुरु की एनर्जी मुझे नजर आ रही है स्ट्रांगली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो है, ट्रांसफॉर्मेशन तो है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए है क्योंकि आपने एक साइकिल एंड की है यहाँ पे, तो एक साइकिल एंड करने के बाद आपको हील होना काफी जरूरी होता है दूसरी साइकिल में एंटर होने के लिए, ठीक है। जब तक आप पुराने वुंड्स लेकर पुराने वुंड्स को क्लियर नहीं करते, जब तक आप न्यू साइकिल में एंटर नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो आप पास्ट की चीजों को फ्यूचर में, पास्ट की चीजों को प्रेजेंट में अप्लाई करेंगे और फ्यूचर को बर्बाद करेंगे। इसीलिए एक साइकिल को खत्म होने के बाद, एक दर्द भरी साइकिल को खत्म होने के बाद यूनिवर्स आपको हीलिंग के लिए फोर्स करता है, और आपकी स्क्रीन पर ये रीडिंग्स आती हैं जो आपको बताती हैं कि आपको खुद को हील करना है। और जब आप अपने आप को हील कर लेते हो तो आपको न्यू साइकिल में एंटर करवा दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने अपना अपने आप को इस लेवल का हील कर लिया है, उनकी यहाँ पर मतलब ये है कि न्यू साइकिल यानी न्यू चैप्टर का स्टार्ट होना, मतलब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है उनकी लाइफ में, ठीक है। बहुत जल्दी उनको न्यू चैप्टर दिखाई देगा, नए लोग दिखाई देंगे, एक नई साइकिल दिखाई देगी जो अब आपकी सुख की साइकिल होगी, ठीक है। आपने दुख की एंड की, अब सुख की स्टार्ट होगी, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। काफी हद तक इस हफ्ते में मुझे लोग हील दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कोई अपने आप को जीत रहा है, ठीक है, दुनिया तो सब कोई जीतता है, अपने आप को जीतना सबसे मुश्किल है, ठीक है। मैं श्री हरि को फॉलो करती हूँ, और सबसे ज्यादा जो मैंने उनसे सीखा है वो ये कि जब आप किसी पर एक उंगली उठा रहे हो ना, तो चार उठ रही हैं, तीन अपने पे भी उठ रही हैं। तो उन्होंने जो सिखाया वो ये कि सबसे पहले खुद को देखो, ठीक है, खुद को बदलो। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके हिसाब से बदल जाए तो पहले खुद को बदलो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपके हिसाब से काम करे तो पहले खुद के हिसाब से काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। जो भी आप सामने वाले में देखना चाहते हो, जो भी आप प्रकृति से चाहते हो, वही सेम काम पहले आप खुद के साथ करो, ठीक है। जब आप खुद के साथ करते हो तो प्रकृति ऑटोमेटिक आपके साथ कर देती है वो सारे काम, ठीक है। क्योंकि हम बाहर वालों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं वो बदल जाए हमारे लिए, वो हमारे लिए ऐसा करे, वो हमारे लिए वैसा करे। ना हम खुद को जानते हैं, ना हम खुद को बदलने की कभी कोशिश करते हैं, हमको लगता है हम 100% परफेक्ट हैं। और श्री हरि ये बोलते हैं कि खुद को समझो, खुद को जानो, खुद को जिसने पहचान लिया, खुद की पावर्स को जो जान गया, वो मतलब दुनिया में कुछ भी जीत सकता है, कहीं पर भी सक्सेस पा सकता है। तो आपकी सक्सेस की एनर्जी इस हफ्ते में स्ट्रांग है, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस, ये सक्सेस आपके करियर में बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, इनफैक्ट आपकी लव लाइफ में। और आपकी, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि आपका आपकी मैरिड लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो गया यहाँ पर, और अब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहां पर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, ठीक है। ये हीलिंग के बाद की खुशियां मुझे यहाँ पर नजर आ रही है बहुत स्ट्रांग। अपॉर्चुनिटीज हैं गाइस, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो लव लाइफ में या करियर में, ये आपके ऊपर है, हेल्थ में, ठीक है, जिस भी चीज में आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है और मेजर अरकाना के कार्ड हैं,
टावर का यहाँ पर एंड हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई न्यू साइकिल में एंटर कर रहा है अपनी, जो एक सुख की साइकिल होने वाली है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ से अपने घर बार छोड़कर ही चले जाए, मतलब जहां पर आप रह रहे हो वहां से आप ट्रांसफर करो कहीं और पर, कि आपकी जॉब ट्रांसफर हो सकती है, या फिर आप कोई कुछ नया काम स्टार्ट करो कहीं बाहर जाकर, किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में, या फिर किसी और कंट्री में, ठीक है। क्योंकि वहां से आपका भाग्य उदय होना काफी मुझे दिखाई दे रहा है, सन की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे लग रहा है शिफ्ट कर जाएंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।